बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस 23 लेसन 7 न्यूबॉर्न एटॉमिक थ्योरी। 1913 में न्यूबॉर्न ने प्रेजेंट किया एक न्यू एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में उसने बयान के एक्सप्लेन किया एटम के बारे में। टू ओवरकम द रदरफोर्ड डिफेक्ट, जब हमारे साथ रदरफोर्ड के कुछ डिफेक्ट कुछ कमी आए तो उसने वो एक्सप्लेन किया। न्यूबॉर्न ने रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट को साबित कर दिया, उसको करेक्ट कहा, उसके जो डिफेक्ट उसमें जो कमी रह गई थी उसको बोहर ने एक्सप्लेन किया। मेन पॉइंट, बोहर पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। पार्ट से हमारे साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस से एक खास सर्कुलर पाथ में। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी, हर एक ऑर्बिट की एक अपनी एक खास एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमारे साथ ये इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिस तरह हमारे साथ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल है, हमारे साथ जितना शेल नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा उसके लिए कम एनर्जी लगेगी, जितना हमारे साथ शेल दूर होगा उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी। हमारे साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, घूमता है न्यूक्लियस से, दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी, हमारे साथ ना एनर्जी को गेन करता है ना लॉस करता है, क्योंकि हमारे साथ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स। हमारे साथ हर एक एनर्जी लेवल की, हर एक ऑब्जेक्ट की एक खास एक फिक्स एनर्जी होती है। ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय के एल एम एंड एन, नंबर ऑफ शेल है हमारे साथ। इस तरह बोर ने एक्सप्लेन किया कि हमारे साथ एटम के इर्द गिर्द हमारे साथ शेल होते हैं, एटम के अंदर हमारे साथ शेल होते हैं, हर शेल का एक अपना एनर्जी होता है, एक अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करती है न्यूक्लियस। जिस तरह 1 2 3 हमारे साथ 1 2 3 नंबर ऑफ शेल है, के एल एम एन एन नंबर ऑफ एनर्जी या नंबर ऑफ शेल, एन मतलब न्यूक्लियस। थैंक यू।